हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स चैप्टर है बच्चों, उसमें डीपीपी नंबर 6 मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है। तो इसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो फिजिक्स लिंक्स के वेबसाइट से मैं आप लोग को पूरा जो है फ्लो बता देता हूँ बच्चों कि कैसे है। physicslinks.com वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो ये होम पेज दिखाई देगा, उसमें क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर्स प्लस डीपीपी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा लेआउट दिखेगा जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे बच्चों। जैसे जैसे मैं अभी आप लोग के लिए पढ़ाते जा रहा हूँ, चैप्टर्स यहाँ पर ऐड होते चला जाएगा। सारे लेक्चर्स का जो वीडियोस है और डीपीपी का जो सॉल्यूशन वीडियोस है, ये आप यूट्यूब जो चैनल है बच्चों, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, तो क्या है ये डीपीपी नंबर 6? तो लेक्चर 12 हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर लेक्चर नंबर 13 है डेफिनिट इंटीग्रेशन, लेक्चर 14 एक लेक्चर पहले से ही बच्चों क्या है, क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। तो ये तीनों लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी डीपीपी 6 आप लोग के लिए मैंने रिलीज किया है, ताकि फिजिक्स को नेक्स्ट लेवल से प्रिपेयर करना है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत पूरे फिजिक्स में आएगा ही नहीं, पूरे क्लास 11th और पूरे क्लास 12th में, चाहे बोर्ड्स का प्रिपरेशन करो या नीट या जेई की, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही वही बच्चों, नेक्स्ट लेवल से प्रिपेयर करना। तो इन तीनों लेक्चर्स पर जो है आपका डीपीपी नंबर 6 है, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा डीपीपी नंबर 6, सब कुछ बच्चों सारे क्वेश्चंस यहां पर है, तो आप इसको बनाने का कोशिश करिए। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं कुछ ही देर में आप लोग के लिए ला रहा हूं। थैंक यू।